Hey, what's up, lovely people? बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। आज के हमारे इस वीडियो में हम दुनिया भर की ऐसी कुछ डरावनी वीडियोस देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और इन्हें देखने के बाद आप थोड़ा सा डर भी सकते हैं। इसमें से कुछ वीडियो तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। आपने यूट्यूब या टिकटॉक पर डांस की कई वीडियोज देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने वाले हैं जहाँ पर डांस करते हुए दो भाई बहन के पीछे से अचानक से तेज स्पीड में एक आत्मा या फिर कह दें कि एक परछाई निकल कर जाती है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही होगा, ये दोनों डांस कर रहे हैं, इन्होंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है, दोनों को पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों अपनी धुन में डांस कर रहे होते हैं, तभी जो लड़की है उसके पीछे से एक परछाई तेज़ स्पीड में गुजरती है। इवन ऐसा लगता है मानो वो उसके बालों को टच करती हुई निकली हो। हालांकि लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज नजर आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था, जबकि जो भाई है उसको इस बात की कोई खबर नहीं रहती। इस टाइप की और भी कई वीडियोस आई हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़कों का एक ग्रुप नदी के किनारे कुछ मौज मस्ती कर रहा था। देखने में ऐसा लगता है मानो ये लोग जंगल में बैठे हों। इनमें से एक लड़का इन दोनों लड़कों का वीडियो बना रहा था, तभी अचानक से इन दोनों लड़कों के पीछे से तेज स्पीड में कोई चीज निकल कर जाती है। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज थी। हालांकि कैमरामैन की भी इस पर नजर पड़ती है और ये जो दो बंदे हैं यहाँ पर, इनको भी ऐसा लगता है कि कोई तो चीज तेज स्पीड में निकली है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो सोचते हैं शायद ये हमारी आंखों का धोखा है और इस चीज़ को इग्नोर करके वापस अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है और ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर भला वो क्या चीज़ थी। आइए वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Não, peraí, falei umas confusão aqui, ó. Não esquenta não. Bicho, vi uma parada ali passando atrás, bicho. Vocês viram? Não, deixa quieto, continuar, acho que é frescura mesmo. Não, peraí, não esquenta não. Pô, já continua aí. Caralho, bicho, tu viu, Leandro? Eu vi! Bicho, galera seca, vai me embora, ये वीडियो ईस्टर्न यूरोप की किसी जगह से आया है। यहाँ पर यह बंदा एक सुनसान पड़ी हुई विला का जायजा ले रहा होता है। इसके हाथ में कैमरा है, कैमरा ऑन करके ये चारों तरफ के नज़ारे अपने कैमरे में कैप्चर करता रहता है। हम देख सकते हैं देखने में ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा पुरानी लगती है। जब यह आगे बढ़ता है और इसकी नज़र एक खिड़की के ऊपर पड़ती है, तो उस खिड़की के अंदर एक सफ़ेद कलर के लिबास में औरत खड़ी हुई नज़र आती है, जबकि आपको बताना चाहूँगा कि उस घर में कोई नहीं रहता। आसपास में जो लोग रहते हैं और जो विलेजर्स हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर रात को रोने की आवाज़ें आती हैं और लगता है कोई यंग लड़की जोर जोर से चीख रही हो, चिल्ला रही हो। ये वीडियो डरावना होने के साथ साथ थोड़ा सा अजीब भी है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये एक स्ट्रीट कैमरे से शूट हुआ है जो कि नाइट विजन में ऑन है।
यहाँ से ये बंदा आता है और सामने से एक बंदा और आ रहा है। जब ये अपना टॉर्च उस आदमी के ऊपर डालता है तो वो नज़र आता है, और जैसे ही टॉर्च हटाता है तो वो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। ये देखकर ये टॉर्च डालने वाला आदमी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे हटने का फैसला करता है, और धीरे धीरे पीछे हटता हुआ वहाँ से भाग जाता है। आइए पूरा वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। इस वीडियो में आपको राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ देखना होगा, वहां पर आपको एक परछाई आती जाती नजर आएगी। हालांकि ये समझ नहीं आता कि आखिर ये परछाई किस चीज़ की थी, क्योंकि ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया था और उस टाइम वहां पर कोई मौजूद नहीं था। यहां पर ये लोग एक वीरान पड़े पुराने एयरबेस का जायजा लेने आए हैं। ये दोनों लोग आप देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, इनके साथ पीछे इनका एक टीम मेंबर है, सामने दीवार है, दीवार के उस पार कुछ नहीं है, और सामने दीवार के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक परछाई बनती हुई नजर आ रही है। जबकि आप खुद सोच सकते हैं कि लाइट पीछे की तरफ से आ रही है जहां से बंदा शूट कर रहा है, आगे ये सिर्फ दो ही लोग हैं और तीसरा मेंबर ये था जो इस टाइम ये वीडियो शूट कर रहा है, तो भला ये परछाई किसकी थी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक सीढ़ी अपने आप ही हिलती हुई नजर आती है, और ये सारा नज़ारा एक सीसीटीवी कैमरा कैप्चर भी करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वर्कर अपने काम में लगा हुआ है, उसने सीढ़ी लगाई हुई है, लेकिन वो ये देखकर बिल्कुल हैरान और तंग रह जाता है कि वो सीढ़ी अपने आप ही चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ध्यान से देखिएगा और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एक एंटिक शॉप का सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। जब यहाँ पर कोई नहीं था यानी कि स्टोर क्लोज था, तब यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना घटित हुई। दुकान में रखी हुई कई चीज़ें अस्त व्यस्त थी। जब मालिक ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो उसे ये नज़ारा नजर आया और वो इसे देखकर हैरान हो गया। चूंकि उसके दुकान में सिर्फ एक ही कैमरा था तो वो यही एंगल देख पाया जिसमें वो देखता है कि एक अलमारी अच्छी भली रखी हुई है, अचानक से उसका जो मेन ग्लास है वो अपने आप ही टूट पड़ता है। जबकि आप देख सकते हैं वो किस तरीके से टूट रहा है, जैसे कि किसी ने फोर्सफुली उसे तोड़ा हो। कोई भी कांच अगर अपने आप से टूटता है तो वो इस तरीके से नहीं टूटता जैसा कि अभी हमें ये नजर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इंटरनेट पर वायरल हुई एक सबसे ज़्यादा फेमस वीडियोस में से एक वीडियो है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि इस वीडियो के अंदर एक कटे हुए गर्दन के भूत को कैप्चर किया गया है। आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा, और समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तो ये खास समझ में नहीं आया, आप अगर कुछ समझ पाते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं।
والله بفتح تليفون شيء والله مش عارف اقول بكره. الحمد لله على البر. والله بفتح تليفون شيء والله مش عارف اقول بكره. الحمد لله على البر. والله كعب علي ما يدي التلفون.